नया जो क्लच प्लेट रखा हुआ है हाउसिंग की तरफ, वो इंगेज कंडीशन में है। तो इंगेज कंडीशन में होने से पावर इस हॉलो शाफ्ट से होकर गियर बॉक्स में आ गया। गियर बॉक्स से शाफ्ट घूम रही है ना, इसको पूरे गियर बॉक्स को घुमा दें। ये देखिए घूम रहा है गियर बॉक्स को। यस सर। अब इसको हमें कट करना होगा, तो हमें क्या करना है, क्लच पेडल को दबाना है। क्लच पेडल जैसे दबाया, ये वाली प्रेशर प्लेट बाहर की तरफ चली गई, मतलब फ्लाईव्हील साइड चली गई, और हाउसिंग से जो पावर हमें मिल रही थी वो बंद हो गई। ठीक है, क्लच रुक गया, जैसे छोड़ा फिर चालू हो गया। ठीक है, अभी पीटीओ बंद है। ये देखिए पीटीओ रुका हुआ है ना। अब इसको जैसे हम यहाँ पे दबाएंगे पीटीओ चालू हो गया। अब ये नहीं चलता, कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी ये डिसएंगेज था, देखिए क्या हो रहा है यहाँ। देखिए ना, जैसे हम इसको दबाएंगे कि फ्लाईव्हील की तरफ चली जाएगी और पीटीओ को पावर मिलेगी, जो हॉलो शाफ्ट इसके अंदर से गई है वो डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकली है यहाँ पर, और यहाँ से नीचे की तरफ, और पीटीओ को पावर मिलेगी। ठीक है, अब वो क्या है, कट सेक्शन है, कट सेक्शन में आयलिंग वगैरह कम है, तो कई बार चीजें जाम हो जाती है। तो आप सोच रहे हैं ना, यहाँ पे जो घूम रही है तो वो जनरली घूम रही है, आप उसको हाथ से पकड़ेंगे तो रुक जाएगा, और जब पावर से चलाएंगे तो कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर हुआ आप?